दूसरी का पार्ट नौवा, जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी। यह एक एकांकिका नाट्य के रूप में है, जिसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर जी। जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म 1917 में बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ तथा उनकी मृत्यु 1978 में हुई। वह एक साहित्यकार और संस्कृति पुरुष थे। आकाशवाणी में काम करते हुए उन्होंने हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वह एक प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध नाटककार भी थे। इस पाठ में भी उन्होंने हमें स्त्री शिक्षा का महत्व बताया है। उनकी बहुत सारी रचनाएं प्रसिद्ध हैं। उनमें से भोर का तारा, शारदिया, पहला राजा, कोणार्क ऐसी बहुत सी रचनाएं दी हुई हैं। इस पाठ में उन्होंने स्त्री शिक्षा का महत्व समझाते हुए नारी का सम्मान हमने कैसे करना चाहिए इसका भी महत्व बताया है। तो प्रिय छात्रों, क्या आप बता सकते हो कि हमारे समाज में कौन कौन सी महिलाओं ने शिक्षित होकर अपना नाम कमाया है? मैं बताऊं? बताओ प्राची। सावित्रीबाई फुले, आनंदीबाई जोशी। शाबाश। आप बताओ मयूर। इंदिरा गांधी, ताराबाई शिंदे। वेरी गुड। आप बताओ। वनिता विलियमसन। आप बताओ। प्रतिभाताई पाटील, कल्पना चावला। वेरी गुड। तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने शिक्षित होकर अपना नाम कमाया है। तो चलते हैं हम इस पाठ को पढ़ने, जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी।